इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम संदेश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्व वंदना। विराजमान सिंह सीते थे शिवराज साहब, प्रभु महावीर की कथा से प्यार करने वाले श्रद्धालु श्रोतागण, कई बार आपने सुना होगा कोई घटना, कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और व्यक्ति की सारी मेमोरी समाप्त हो जाती है, पास्ट की कोई मेमोरी उसके पास बचती नहीं है। और जब पास्ट की कोई यादें नहीं होती है तो भविष्य का और वर्तमान का सारा जीवन एक नई सिरे से शुरू होता है। अनंतानुबंधी का मीनिंग है अनादि काल की कषाय की वैर की पाप की स्मृति अंदर में बनी हुई अनंत स्मृतियां हैं और वे स्मृतियां जैसी ही उसको थोड़ा सा टच होता है वैसी एक्टिव हो जाती है, जैसे टच स्क्रीन मोबाइल होता है ना। और अभी तो साइड स्क्रीन मोबाइल भी आ गए कि नजर से देखो ओपन, ऐसे सेंसर। अनंत अनुबंधी का मीनिंग है ऐसे आंसर सेंसर लगे हुए हैं कि कहीं पाप की थोड़ी सी भी हवा आ गई कि पाप शुरू हो गया। और ऐसा शुरू होता कि आपको पता ही नहीं चलता कब हुआ। दुर्योधन को एक बार पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, जानामि धर्मम च न मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम च न मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उस पर चलता नहीं, मैं अधर्म को जानता हूं लेकिन उसको छोड़ता नहीं, मेरे अंदर में कोई नियुक्तोस्मि, वो जैसा मुझे चलाता वैसा मैं चलता हूं। ये अनंतानुबंधी वैर की अनंतानुबंधी कुनिक के उदाहरण आपके सामने है। राजा श्रीनिक ने कुनिक के साथ वो किया जो दूसरा कोई बाप कर ही नहीं पाएगा, लेकिन पिछले जन्म का वैरानुबंध है तो कुनिक को वो नजर ही नहीं आया बाप ने क्या किया है। उसको इतना ही नजर आ रहा था कि बाप मुझे सत्ता नहीं दे रहा है। सीनियर हो चुके लेकिन सत्ता छोड़ नहीं रहे, और वहां से वैर का खेल शुरू हो गया। कोई कारण नहीं वैर का, और आप सोच सकते हैं बच्चों का मां बाप से वैर करने का कारण कभी कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन होते हैं। जनरली हम ऊपर ऊपर की बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन वो सेटिंग होती नहीं जब तक अंदर में अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी का एक बहुत गहरा मीनिंग है फंगस, इन्फेक्शन कंट्रोल में बहुत जल्दी आ सकता है। अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय, प्रत्याख्यानावरणीय कषाय, ये इन्फेक्शन है। अनंतानुबंधी कषाय ये फंगस है। मैंने कई लोगों को देखा जो 70 साल से 60 साल से गुटखा खा रहे थे, और मैंने एक बार बोल दिया, बोले पचकन दे दो। जैन साहब चेन्नई के परिवार वालों ने कहा हमारा साहब एक साथ मत दो, बोले नहीं एक साथ। और गुटखा छोड़ने के बाद परिवार वालों को उनको
फ्रेंड सर्कल को आश्चर्य कि इस व्यक्ति ने गुटखा कैसे छोड़ा है, कि जिनके अनंत अनुबंधी नहीं होती है उनको किसी भी पाप से बाहर निकलने में देर नहीं लगती है। शालीभद्र कितना सुख में पला हुआ, लेकिन अनंतानुबंधी नहीं थी। एक छोटा सा निमित्त मिला और संयम के मार्ग पर चल पड़ा है। धन्ना, पत्नी ने एक वाक्य बोला, संयम के मार्ग पर चल पड़ा है। अनंतानुबंधी कमनिंग है धृतराष्ट्र, इसको दिखता ही नहीं है। अनंतानुबंधी को कहते मिथ्या दृष्टि, उसको सब मिथ्या ही सत्य लगता है, उसको झूठ ही सच लगता है, उसको सच सच लगता ही नहीं, उसको संयम में रस आता ही नहीं, उसको असंयम में रस आता है। भगवान महावीर ने उत्तराध्यन सूत्र में एक छोटी सी उपमा दी, कन कुंड गैतन इटम भुज सुयरे एवं शील चैतन दुशील रमये। सूर के सामने एक थाली में यदि अपने बासमती चावल की भूसी रखी है जिसकी खुशबू आ रही है, उसको भूख लगी हुई है और उसी समय कैसे बदबू का झोंका आ जाए तो सूर किधर जाएगा। ये अनंत अनुबंधी है। कितने ही अच्छे अच्छे अवसर मिल जाए तो उसका उपयोग नहीं करेगा, और इसलिए अध्यात्म के मार्ग में सबसे अधिकतम पुरुषार्थ किसी बात में लगता है तो अनंतानुबंधी को तोड़ने में लगता है। और वीरानुबंध और अनंतानुबंधी समाप्त तो हो गई तब तो फिर तो यात्रा और वही निसार का हुआ है। एक छोटा सा प्रण, एक छोटा सा नियम कि बिना खिलाए खाना नहीं, वही नियम सेवा का है। एक पल के लिए सोचो यदि ये नियम नहीं होता अनंत अनुबंधी टूटती क्या। एक छोटा सा नियम, एक हल्का सा नियम किस शिखर पर पहुंच जाता है। संतों ने प्रसाद को ग्रहण किया है, शिवा ने और नैसार ने भी प्रसाद को ग्रहण किया है, और उस संतों को उस समय जिस समय आहार बेराते समय जो अंदर में प्रक्रिया हो गई, एक प्रोसेस हो गई, निरंतर स्मरण रखना है। एक दान दिया जाता है करुणा से और एक दान दिया जाता है भक्ति से। करुणा से दिया हुआ दान पुण्य का बंध लिमिटेशन में करता है और भक्ति से किया हुआ दान वरदान बनता है। शालीभद्र ने पिछले भूमि में भक्ति से किया है। जिन्होंने जिन्होंने भक्ति भाव से क्या बेराया उसका मूल्य नहीं है। मूल्य इस बात का है
कि आपके पास जो बढ़िया से बढ़िया है, चंदन वाला के पास उस समय बढ़िया से बढ़िया केवल बाकुले ही थे, लेकिन वो भी बढ़िया से बढ़िया एक मन में भाव, एक तमन्ना, एक लालसा, एक संकल्प कि प्रभु 5 महीने 25 दिन से घूम रहे बिना उनको बेराए नहीं खाओगे। और कितनी विकट परिस्थिति, कितनी संकट की घड़ियां, बेड़ियों से जकड़े हुए हाथ और पांव, चल नहीं पा रही है, एक पांव अंदर एक पांव, उसको लगा कि मैं चल नहीं पा रही हूं। अंदर में जब भक्ति होती है तो तुम जो नहीं कर पाते हो वही सौभाग्य बनता है। फिर एक बार सेंटेंस को, अंदर में जब भक्ति होती है तो तुम जो नहीं कर पाते हो उसी से सौभाग्य का जन्म होता है। कल्पना करो, चंदन पाला के पांव में बेड़िया नहीं होती और उसके दोनों ही पांव देहरे के बाहर होते तो प्रभु महावीर का अभिग्रह फलता क्या? भक्ति तुमसे अनजाने में वो करा लेती है, अनोइंगली अनइंटेंशनली आपसे वो हो जाता है जो आपके सौभाग्य के दरवाजे खोलता है। ये भक्ति का सामर्थ्य है, ये बुद्धि का सामर्थ्य नहीं है। बुद्धि तो यही कहेगी, और आप भी जानते हो कि आज भी किसी से आपको कुछ लेना हो, किसी को आपको कुछ देना हो तो आप क्या कहते हैं, या तो अंदर आ या तो बाहर, प्रोटोकॉल तो यही है। देरी में खड़े रह करके आधा पांव अंदर, एक पांव अंदर और एक पांव बाहर, इसको कोई शुभ मानते हैं क्या? तुम्हारे शकुन में तो बैठता ही नहीं है। लेकिन भक्ति का सारा गणित ही ऐसा होता है, और उसी से तो बेड़िया टूटी। आप गंधर्व को देखते हो, मैं भी देखता हूं, लेकिन मेरी नजर यदि आराम से कहीं झुक जाती है तो चंदन बाला के पास, छत्तीस हजार साध्वियां, और एक ही लीडर, इधर तो 14,000 है, 11 लीडर है। क्या सामर्थ्य चंदन बाला का, और वो भी इनको संभालना, क्या जोर से जी बोले, क्या सामर्थ्य चंदन बाला का, कहां से आया चंदन बाला का सामर्थ्य? आज नहीं सुना रहा हूं कहानी, चंदन बाला की कहानी मुझे आपके पास पहुंचाने के लिए कम से कम 7 दिन लगते हैं। कितने दिन? 7 दिन। चंदन बाला की कहानी कोई 7 मिनट में पूरी होने वाली कहानी नहीं है। वो अनंत अनुबंधी को ब्रेक करना, तोड़ना, और आप जब नैसार ग्रहण कर रहा है तो क्या अंदर में जो भाव थे वे वैसे ही रहेंगे? जिस संवेदना के साथ वो चला था, जिस पीड़ा के साथ वो चला था, वो संत जिसके पास बैठने के बाद तुम्हारा शैतान मन भगवान हो जाए, वो संत है।
जिसके पास बैठने के बाद तुम्हारा अंदर का संतप्त मन शीतल हो जाए वो संत है। जिसके सहवास की खुशबू तुम्हारे अंदर के मन को चेंज कर दे वो संत है। ऐसे संतों के चरण जहां फिर गए कदम कदम पर तीर्थ हो गए। जहां जहां गिरे चरण संतन के तहां तहां बन गए तीर्थ। वो संत है जिसका पग फेरा हो और अनर्थ और व्यर्थ जीवन से समाप्त नहीं हो तो बाणी का संत होगा, जीवन का संत नहीं होगा। संत जब साथ में चलता है तो प्रभु की कृपा लेकर के चलता है और ऐसी प्रभु की कृपा है जिसके पास देने के लिए केवल प्रभु की कृपा हो, जिसके पास देने के लिए केवल प्रभु की वाणी हो, जिसके तरफ देखो तो लगे हाँ ये प्रभु से जुड़ा हुआ बंदा है वो संत है। और ऐसे संत सौभाग्य से नैसार को मिल गए और उन पलों में मिले कि जिस समय वो यमदूत को मिलने जा रहा था, मौत को गले लगाने जा रहा था, उस समय कोई मुक्ति का मार्ग मिल जाए। तीर्थंकरों का जन्म हो जाता है, एक नजर खुल गई। एक आंधे को नजर आ जाए तो उसकी खुशी कैसी होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।